पेटीएम मनी के अंदर अगर आप किसी शेयर को 100 रुपये में खरीद कर 100 रुपये 15 पैसे में बेच देते हैं तो आप कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे ये जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं माई कंपनी। तो गाइज अगर आप कंफ्यूज हैं कि पेटीएम मनी में ब्रोकरेज चार्जेस क्या लगते हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर का यूज करके, जो पेटीएम मनी का ब्रोकरेज कैलकुलेटर है, उसके थ्रू आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपके ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं डिलीवरी में, इंट्राडे में, ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में। तो चलते मेरे सीधे लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको बताता हूं कि अगर आप किसी शेयर को 100 रुपये में खरीदते हो तो 100 रुपये 15 पैसे या उससे ज्यादा अमाउंट में बेचने पर आपको कितना प्रॉफिट बनेगा। तो गाइस देखिए, ये हमारा चैनल है माई कंपनी, जहाँ पर हमारे 90.9 के सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे 100 के आप जल्दी करवा दीजिए, जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर की तरफ। देखिए सबसे पहले हम स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो हम यहाँ पर मान रहे हैं कि कोई शेयर को आप 100 रुपये में खरीद रहे हैं और उसका सेल प्राइस हम मान रहे हैं कि आप 110 रुपये में बेच रहे हैं। अभी बताऊंगा 15 पैसे वाली भी बात करेंगे। अब क्वांटिटी यहाँ पर 1000 तो आप एक्चुअली नहीं खरीदेंगे, सिर्फ 10 ही खरीदेंगे। तो उस केस में यहाँ पर आप देखते हैं कि आपके ब्रोकरेज चार्जेस क्या बनते हैं, ये आप यहाँ से जान सकते हैं। बाय प्राइस 100 रुपये किसी भी शेयर का और सेल प्राइस 110 रुपये, क्वांटिटी हमने 10 मान ली है। तो यहाँ पर ब्रोकरेज क्या बन रहा है, देखिए इंट्राडे में जो ब्रोकरेज बन रहा है वो बन रहा है 1 रुपया 5 पैसा और डिलीवरी का जो ब्रोकरेज आपका बन रहा है वो बन रहा है 30 रुपया। इसमें अगर आपको वीडियो के स्क्रीन पर अगर कुछ चीज़ दिखाई नहीं दे रही है तो आपको एक चीज़ करनी होगी, वीडियो पर क्लिक करें, ऊपर सेटिंग का बटन दिखाई देगा, सेटिंग के बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आपको वहाँ पर वीडियो क्वालिटी दिखाई देगी, क्वालिटी पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक हायर पिक्चर क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने पर आपको वीडियो में जो भी दिखाया जा रहा है वो सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में दिखाई दे जाएंगी, क्योंकि आपका जो वीडियो का क्वालिटी होती है वो ऑटो पे सेट होता है, जहाँ पर आपको डेटा बचाने के लिए लोअर क्वालिटी में वीडियो दिखाई जाती है। तो ये छोटी सी सेटिंग करने पर आपको वीडियो में बिल्कुल पिक्चर क्लीन दिखाई देगी कि क्या यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए इंट्राडे में आपका ब्रोकरेज जो बन रहा है वो 1 रुपया 5 पैसा बन रहा है, डिलीवरी में 30 रुपया बन रहा है। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि डिलीवरी में 30 रुपया कैसे बन रहा है। देखिए यहाँ पर चलते हैं, इनकी वेबसाइट पर आपको सारे ब्रोकरेज चार्जेस शो भी कर रखे हैं। 2.5% ऑफ टर्नओवर या 15 रुपया, जो भी इनमें से लोअर होगा, विच एवर इज लोअर, जो भी इनमें से लोअर होगा वो ब्रोकरेज आपका बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, टर्नओवर का मतलब आप समझिए, टर्नओवर का मतलब है बाइंग प्राइस, बाइंग का टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट और सेलिंग का टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट, ये दोनों को जोड़ करके टर्नओवर बनता है। अब यहाँ पर 100 रुपये में आप खरीद रहे हो 10 शेयर, तो 100 × 10 यानी कि 1000 रुपीज़। सेल प्राइस हो गया आपका 110 × 10 यानी कि 1100 रुपीज़। तो आप जब इसको जोड़ेंगे तो 1100 और 1000 रुपये आपका टोटल टर्नओवर हो गया 2100 रुपये का। अब यहाँ पर ब्रोकरेज जो कैलकुलेट होगा वो आपका डिलीवरी का कैसे होगा, 2.5% निकालेंगे 2100 रुपये का और साथ साथ 15 रुपये से उसे कंपेयर किया जाएगा, जो भी इनमें से कम होगा वो ब्रोकरेज चार्ज आपके ऊपर अप्लाई होगा। तो अगर आप 2100 रुपये का यहाँ पर 2.5% कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 52.5 रुपये। तो इस केस में क्या है कि 30 रुपीज़ जो है वो एक्चुअली कम है 52 रुपये से, 52.5 रुपये से, तो 30 रुपीज़ आपका ब्रोकरेज लगता है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो ब्रोकरेज है वो 30 रुपीज़ बन रहा है। 30 रुपीज़ यहाँ पर लिखा तो हुआ है 15 रुपीज़, लेकिन बाय साइड पे 15 और सेल साइड पे 15 लगता है, इस तरीके से टोटल जो है वो 30 रुपीज़ लगता है। अब यहाँ पर आप नीचे चलकर एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है नो प्रॉफिट सेल प्राइस, यानी कि 100 रुपये 15 पैसे पर जब ये शेयर का प्राइस जाएगा तो उस टाइम तक आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन 100 रुपये से 100 रुपये 15 पैसे से ऊपर जैसे ही शेयर का प्राइस जाने लग जाएगा, ये इंट्राडे के केस में है, अभी डिलीवरी के केस में बात करेंगे, तो 100 रुपये 23 पैसे से ऊपर जब शेयर का प्राइस जाने लगेगा तो आपको प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आप 100 रुपये 25 पैसे में बेचते हैं या 24 पैसे में भी बेचते हैं तो भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे इस ट्रेड के अंदर। अब ये 23 पैसे की बातें कहाँ जा रही है, जो 23 पैसे का जो अमाउंट है ये आपका एक्चुअली चार्जेस में लग रहा है। चार्जेस क्या है, ब्रोकरेज चार्जेस हैं, इसके अलावा एक्सचेंज की फी है, GST है, सेबी का टर्नओवर फीस है, स्टैंप ड्यूटी है, ये सारे चार्जेस गाइस आपके ऊपर अप्लाई होते हैं। अब एक बार इंट्राडे के ब्रोकरेज चार्जेस को भी हम समझ लेते हैं। देखिए इंट्राडे के ब्रोकरेज चार्जेस जो है वो यहां पर मेंशन है, इंट्राडे में मिनिमम ऑफ 0.05% ऑफ टर्नओवर या 15 रुपीज ये लगेगा। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, 0.05%। तो जब आप 2100 का 0.05% कैलकुलेट करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1 रुपया 5 पैसा, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो आपका ब्रोकरेज भी दिखा रखा है वो 1 रुपया 5 पैसा दिखा रखा है। तो यही आपका ब्रोकरेज है। अगर ये अमाउंट आपका 15 रुपये से ज़्यादा हो गया तो 15 रुपये पे ही आपके ब्रोकरेज चार्जेस जो हैं वो कैप हो जाएंगे।
तो ये है यहाँ पर इस तरीके से आपके ब्रोकरेज चार्जेस कैलकुलेट होते हैं। अब यहाँ पर हम ऑप्शंस की और उसकी भी बात करते हैं, ऑप्शंस की और फ्यूचर्स की भी बात करेंगे। उससे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ये है डीमैट डाइव जो हमने खुद एक ब्लॉग वेबसाइट डेवलप करी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको CDSL EasyEst में रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका यूज करके आप आपके शेयर्स को किसी भी एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो CDSL EasyEst पर आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, देखिए आपको यहाँ पर साइन पर जाना है इस सर्च के बार पर, और यहाँ पर आप जैसे ही सर्च करेंगे हाउ टू रजिस्टर, तो यहाँ पर आपको पहला ही आर्टिकल दिखाई देगा हाउ टू रजिस्टर फॉर CDSL EasyEst। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन दे रखी है CDSL EasyEst क्या है और इसमें कितने तरीके से ट्रांसफर होते हैं, क्या स्टेप बाय स्टेप इसकी नॉलेज है, कैसे आप इसे कर सकते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डीमैट डाइव पर दे रखी है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप आर्टिकल्स को जाकर के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी हमने बहुत सारी डीमैट अकाउंट्स रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर हम टेक्स्ट की फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जरूर आप विजिट कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर ऑप्शंस के ब्रोकरेज चार्जेस को समझते हैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर का ही यूज करके। देखिए हमने 100 रुपए की कोई स्क्रिप्ट मानी है जिसे हम 100 रुपए में खरीद करके 110 रुपए में बेचने वाले हैं, क्वांटिटी हम 10 मान रहे हैं। अब देखिए जो यहाँ पर इंट्राडे में अगर आप खरीदते हैं और अगर आप किसी ऑप्शन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो उस केस में आपके ब्रोकरेज चार्जेस का कंपैरिजन भी दे रखा है जो कि लगभग सेम है, एग्जैक्टली सेम ही, एक्चुअली कोई फर्क नहीं है। तो देखिए आपके जो ऑप्शंस के ब्रोकरेज हैं वो एक्चुअली यहाँ पर पेटीएम मनी में फ्लैट रहते हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं F&O में, फ्यूचर्स में थोड़ा सा अलग है, फ्यूचर्स में 0.02% या 15 रुपया, इन दोनों में से जो लोअर होता है वो लगता है, लेकिन ऑप्शंस के केस में आप यहाँ पर पढ़िए तो ऑप्शंस के केस में जो है वो 15 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर रहता है, फिक्स रहता है ऑप्शंस के केस में। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस के केस में ब्रोकरेज लगता है वो 30 रुपये फ्लैट का ही लगता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि आप अगर इस कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर भी ध्यान देना है ऊपर, ये 5 अगस्त 2022 के बाद इनके ब्रोकरेज चार्जेस चेंज हुए हैं तो उसके केस में ही हम यहाँ पर ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। अब इसके अलावा अगर आप फ्यूचर्स के ब्रोकरेज चार्जेस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अगेन वो स्क्रिप्ट मानी है, 100 रुपये में हम कोई स्क्रिप्ट खरीद रहे हैं, कोई फीचर्स खरीद रहे हैं, उसको 110 रुपये में बेच रहे हैं, 10 क्वांटिटी हम मान रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है 0.02% बताया गया है, तो 0.02% क्या है, क्या 2100 रुपये का वही टर्नओवर अमाउंट आपका सेम हो रहा है, तो 0.02% होगा 0.42 रुपीज़। लेकिन अगर आप इस क्वांटिटी को बढ़ाते हैं यहाँ पर तो देखिए धीरे धीरे जैसे ही आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे आपके ब्रोकरेज चार्जेस भी बढ़ते जाएंगे, और जैसे ही आप 1000 कर देते हैं तो यहाँ पर 30 रुपये पर जाकर के ये क्वांटिटी, ये जो ब्रोकरेज है ये कैप हो जाता है। कहने का मतलब है इंट्राडे में ऑप्शंस में तो आपका फ्लैट 15 रुपीज़ रहता है एक साइड का, दोनों साइड का 30 रुपीज़, लेकिन इंट्राडे इक्विटी में और फ्यूचर्स के केस में आपके 15 रुपये पर जाकर के कैप हो जाते हैं। डिलीवरी में भी आपके ब्रोकरेज चार्जेस जो है वो 15 रुपये पर जाकर के कैप हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको पेटीएम मनी का ब्रोकरेज कैलकुलेटर के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कि क्या ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया कि कोई अगर आप कोई स्क्रिप्ट खरीदते हैं 100 रुपये में और अगर आप पेटीएम मनी के अंदर उसे 100 रुपये 16 पैसे में बेचते हैं इंट्राडे में और 100 रुपये 24 पैसे में बेचते हैं डिलीवरी के अंदर, तो उस केस में आपको यहां पर प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है, और जो 15-16 पैसे का जो अमाउंट है वो एक्चुअली आपके ब्रोकरेज चार्जेस और जो गवर्नमेंट के सेबी रेगुलेटर वगैरह के चार्जेस होते हैं वहां पर चला जाता है। तो अगर आप मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। पेटीएम मनी में अगर आपने कोई डीमैट अकाउंट नहीं बनाया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर आप डीमैट अकाउंट भी बना सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।